श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा, इनको आज हथरस से जाने से रोका गया है। और हमने जो देखा अभी टेलीविजन पे महाराष्ट्र में, हम जो दिखाई दे रहा है कि उनको जिस तरीके से बर्ताव उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किया है और धक्का मारकर गिराने की नौबत पुलिस ने जिस तरीके से सभी सिचुएशन को हैंडल किया, बड़ा ही निंदनीय बात है, बड़ी घृणास्पद बात है। और हाथरस में जो घटना घटी है वो देश में सबसे धक्कादायक, और इतना बुरा हाल हुआ है कि एक महिला पर, एक लड़की पर अत्याचार होके जिसकी मौत होती है और उसको रातों रात उसका अंत्यविधि यूपी पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये इस घटना से छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ये जंगल राज मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जहां पर लोगों को रोका जाता है, अत्याचार अन्याय जहां हुआ है उनके फैमिली मेंबर से भी मिलने से रोका जाता है, घटना की तहकीकात भी ना हो ऐसी व्यवस्था की जाती है, और राहुल गांधी जो हमारे नेता है, प्रियंका गांधी जो हमारे नेता है, उनको वहां जाने क्यों, सरकार क्यों डरती है? सवाल यह है, सरकार इस घटना से लोगों को वहां पहुंचने से क्यों डरती है? सच्चाई सामने आए इसलिए सरकार डरती है? और जिस तरीके से महिलाओं के साथ सुलूक किया गया है, हम टेलीविजन पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महिलाएं हैं, कार्यकर्ता है, उनको रास्ते में रोककर जिस तरीके से बातें की जाती है, जिस तरीके से लैंग्वेज उनके खिलाफ यूज की जाती है, ये बड़ी निंदनीय, और इसकी हम निषेध करते हैं। और महाराष्ट्र देश पूरा चुप नहीं बैठेगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से गिरफ्तार करके दिया जा रहा है, देश चुप नहीं बैठेगा। इसका आवाज महाराष्ट्र से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका आवाज हम उठाएंगे और बता देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, ये तुम्हारी गुंडागिरी, तुम्हारे जंगल राज हम नहीं चलने देंगे, और जो सच्चाई है इस हथरस की घटना का वो लोगों के सामने आना चाहिए।